गाइस ये है हीरो की स्प्लेंडर प्लस का 2024 का बिल्कुल ही लेटेस्ट वेरिएंट। तो भाई आपको पता है कि कंपनी ने इस गाड़ी में जो है डिस्क ब्रेक लॉन्च कर दी है। खैर ये जो है हीरो की जो स्प्लेंडर प्लस है उसकी नॉर्मल सी की है, लेकिन भाई कंपनी ने इस गाड़ी में जो है डिस्क लॉन्च किया है, लेकिन भाई कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ लॉन्च किया है डिस्क ब्रेक को जो एक्सटेक वर्जन 1 है उसमें। लेकिन भाई अभी तक जो बाइक का एनालॉग मीटर कंसोल का वेरिएंट है इसमें आपको अभी कोई भी डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो भाई ये जो है एनालॉग मीटर वाला वेरिएंट है, लेकिन बाइक में जो है कंपनी ने अभी तक कोई भी इस वाले में डिस्क का ऑप्शन नहीं दिया है। तो भाई आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कंपनी कब इस वाले वेरिएंट में डिस्क देने वाली है। तो भाई आज आपको मिल जाएगी इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन कि इस गाड़ी में आपको डिस्क कब तक देखने को मिलने वाली है। तो भाई सीधी सी बात है कि अभी तो नहीं मिला है, लेकिन आपको भाई दिसंबर या फिर आपको नवंबर के महीने में यानी कि आपको अगले महीने तक इस गाड़ी में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और कंपनी इस गाड़ी में क्या क्या अपडेट करेगी डिस्क आने के बाद, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो भाई चाबी वगैरह बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, बाकी जो है चाबी को यहाँ पर लगा के छोड़ देते हैं। तो भाई जो मीटर कंसोल है वो आपको एनालॉग ही मिलेगा ताकि गाड़ी का प्राइस ज़्यादा ना बढ़े। जो भाई यहाँ का डैशबोर्ड है कॉकपिट है ये बिल्कुल सेम रहेगा, इन सभी में कोई भी अपडेट नहीं होगा। बाकी जो मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट है वो आपको यहीं पर मिल जाएगा। और इसकी भाई जो स्विच की क्वालिटी है, मतलब जो भाई जो डिस्क वाला वेरिएंट है और जो एक्सटेक 2.0 है उसकी स्विच की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। तो इसमें जो है भाई कंपनी आपको कोई भी अच्छी क्वालिटी की स्विच नहीं देगी, मतलब जो स्विच आपको अभी मिल रही है देखने को तो यही वाली स्विच आपको मिलेगी आने वाले डिस्क के बेस मॉडल में। मतलब कि भाई ये तो बेस है ही, एक आपको डिस्क में भी बेस मिलेगा। बाकी जो आपको स्विचेस है हॉर्न की, इंडिकेटर की, पास की, अपर डिपर की, i3s की और सेल्फ स्टार्ट की, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। और जो ग्रैब रेल होगा बाइक का वो आपको एलुमिनियम का नहीं मिलेगा, वो आपको लोहे का ही मिलेगा। मतलब कि भाई कंपनी जो है प्राइस को कम करने के लिए इस बेस वेरिएंट में आपको डिस्क का ऑप्शन देगी। बाकी यार अगर बात करें बाइक के कलर्स एंड ग्राफिक्स की, तो भाई गाड़ी में आपको ऑल ब्लैक का एडिशन मिलेगा जिसमें कि आप अपनी मर्जी से ग्राफिक वगैरह इंस्टॉल करा पाओगे, अलग कॉस्ट करेगा वो। बाकी जो प्राइस होगा ग्राफिक का उसमें आपको 800 से 900 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर बाइक के फ्रंट लुक पे आएँ तो इसका भाई जो फ्रंट लुक है इसमें आपको मिल जाते हैं हेलोजन के हेडलैम्प। तो इसका जो डिस्क वाला वेरिएंट आएगा उसमें भी आपको हेलोजन ही मिलेगा, कोई भी आपको एलईडी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी जो बाइक की इंडिकेटर्स होंगे वो आपको हेलोजन के ही मिलेंगे और इनमें आपको हजार्ड लाइट का फीचर नहीं मिलने वाला है। बाकी थोड़े बहुत तो आपको ग्राफिक्स में फ़र्क वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बाइक का जो नंबर प्लेट है वो आपका इधर प्लेस होगा। बाकी जो फ्रंट सस्पेंशन है वो तो चेंज होगा, जो कि आपको टेलीस्कोपिक मिलेगा और उसमें जो है आपको ग्लॉस ब्लैक के सस्पेंशन मिलेंगे। बाकी जो है आपको रिफ्लेक्टर यहाँ की जगह यहाँ पर मिलेगा। और फ्रंट में आपको मिल जाएगी डिस्क जो कि आपको पेटल डिस्क के साथ मिलेगी, और डिस्क जो है वो आपको एंड्योरेंस ब्रांड का देखने को मिलेगा। बाकी जो ABS है और CBS है तो इसका डाउट है, तो भाई आने को तो ABS आ सकता है, बाकी कंपनी जाने ABS आता है या फिर नहीं आता है। बाकी जो है अगर बाइक के इंजन पे आए तो इसका जो इंजन है वो आपको अभी मिल जाता है 97cc का, जो कि आपको सिंगल सिलेंडर मिल जाता है जिसमें कि आपको चार गियर मिलते हैं। तो जो नया वेरिएंट आएगा हो सकता है उसमें आपको 125cc का सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाए और उसमें आपको पांच गियर मिलेगा, लेकिन जो इंजन है वो आपको लेटा हुआ ही मिलेगा, इंजन आपको खड़ा नहीं मिलने वाला है। बाकी जो बाइक के ये फुटेस्ट वगैरह हैं तो ये सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी। और हाँ भाई, बेस वेरिएंट में आपको 100cc और 125cc दोनों में आपको डिस्क का ऑप्शन मिल जाएगा। और बाइक के जो फुटेस्ट हैं वो आपको फोल्डेबल ही मिलते हैं, जो कि फोल्डेबल ही रहने वाले हैं। और इसमें जो है आपको जो बाइक का चेन कवर है वो आपको लोहे का मिलता है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। बाकी जो पीछे का सस्पेंशन है वो आपको डुअल सस्पेंशन के साथ मिलेगा, जो कि आपको एडजस्टेबल मिल जाएगा। बाकी भाई जो ब्रांडिंग है हीरो स्प्लेंडर प्लस की वो आपको 3D में मिल जाएगी। जो भाई पैनल्स है साइड के, यहाँ पर आपको सेम ब्रांडिंग मिलेगी i3s की। और बाइक का जो साड़ी गार्ड है, लेडीज़ फुटरेस्ट है, तो इन सभी में कोई भी अपडेट नहीं होने वाला है। बाकी जो टायर की प्रोफाइल है अगर उस पर आएँ तो इसका जो फ्रंट टायर है वो आपको मिल जाता है 80/118 का, तो ये टायर की प्रोफाइल तो यही है। बाकी जो टायर है वो आपको मिलने वाले हैं ट्यूबलेस, और बाइक में आपको कंपनी सिंगल हॉर्न का सेटअप प्रोवाइड करा देती है, और ये जो है काफ़ी ठीक है।
बाकी भाई आपको मिल जाएगी ब्रांडिंग पावर स्टार्ट की, ग्राफिक्स आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। बाकी भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगी ब्रांडिंग FI की, और गाड़ी में आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों मिलेगा। यहाँ पर भाई आपको मिलेगा ये छोटा सा गार्ड भाई, ताकि आपका पैर या जूता यहाँ पर टच होकर ना जल जाए, और बाइक का जो कैटलेटिक कन्वर्टर है वो आपको नीचे के साइड माउंट मिलेगा, चाहे इंजन 100 हो या फिर 125 हो। बाकी जो भाई बाइक का एग्जॉस्ट है ये भी बिल्कुल सेम रहेगा, जो कि आपको काफ़ी लॉन्ग मिलेगा। साइलेंसर की आपको पत्ती मिल जाएगी, और जो है भाई इसमें आपको पीछे ड्रम ब्रेकिंग मिलता है तो वो आपको ड्रम ब्रेकिंग मिलेगा भाई। डुअल डिस्क का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इस सेगमेंट में, और जो टायर पीछे का है वो आपको 80/118 का ही मिल जाएगा। अब आते हैं बाइक के बैक प्रोफाइल पे, तो इसकी जो टेल लाइट है वो कुछ आपको ऐसी देखने को मिलेगी, जो कि आपको हैलोजन की टेल लाइट मिल जाएगी आने वाले नए डिस्क के वेरिएंट में। बाकी भाई जो सी फेंडर है ये भी आपको बिल्कुल सेम मिलेगा इस वाले वेरिएंट में। तो भाई सीधी सी बात बताऊँ तो गाड़ी का जो डिस्क वाला वेरिएंट होगा एनालॉग मीटर कंसोल के साथ, उसमें आपको सिर्फ डिस्क मिलेगी, और उसमें आपको 125 सीसी का इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़े बहुत आपको ग्राफिक्स के फ़र्क मिल जाएंगे, बाकी ग्रैब रेल, सीट, साइड पैनल, टैंक और सीट काउल, मीटर कंसोल, बाइक के स्विचेस, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। और बाइक का जो प्राइस होगा, टॉप मॉडल डिस्क और बेस मॉडल डिस्क, इसमें जो भाई आपको डिफरेंस मिलेगा करीब 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास का, और इसी के आसपास का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। बाकी जो मिरर्स है उनकी जो क्वालिटी है वो कुछ आपको ऐसी देखने को मिलने वाली है, और बाइक का जो पूरा लुक है वो आप एक बार चेकआउट कर लो हर एक एंगल से कि ये बाइक आपको कैसी लगने वाली है। बाकी यार ये गाड़ी जो है ना हर महीने करीब 3 से 4 लाख पीस सेल फिगर ला देती है, और ये लाएगी भी क्योंकि इंडिया में बहुत टाइम से ये गाड़ी राज कर रही है। और भाई जो नया वेरियंट आएगा उसका जो प्राइस होगा ऑन रोड वो आपको 98,000 रुपीज़ के आसपास तक का ऑन रोड मिलेगा। भाई ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, बाकी प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी ये वाला कलर और ग्राफिक आपको कैसा लगता है वो आप बताना। तो भाई कुछ ऐसे आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं और ये इंस्टॉल किए गए हैं, और भाई इसमें आपको 3D का लोगो भी लगाने का ऑप्शन है, जो कि उसका आपको 400 रुपये अलग से कॉस्ट करना पड़ेगा। और ये जो है भाई बेस मॉडल था, ग्राफिक लगाकर इसे बनाया गया है मिड वेरियंट। बाकी जो है भाई ये तो टॉप मॉडल है, जिसमें कि आपको I3S मिल जाएगा, आपको भाई सेल्फ मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल सेम रहने वाली हैं। बाकी भाई ये गाड़ी आपको कैसी लगती है और आप इस साल कौन सी बाइक लेने वाले हो वो आप बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी यार अगर भाई आपको हीरो की कोई सी भी बाइक या स्कूटी परचेज करनी है, ड्रम में लेनी है, डिस्क में लेनी है, वीडा लेनी है, तो भाई आप शोरूम पे कांटेक्ट कर लेना, नीचे आपको मिल जाएगा कांटेक्ट नंबर, एड्रेस, डिटेल्स। बाकी यार भाई जो वीडियो है लाइक कर देना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।